हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपबल फैमिली। गाइस, इन दिस वीडियो हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे आज इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर के रिगार्डिंग, और इसमें बहुत सारे हम करंट अफेयर के ऊपर बातचीत करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए, एंड जितने भी अदर एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ पे करंट अफेयर का वेटेज है, उन तमाम एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेगा ये। द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, और साथ ही हम बातचीत करेंगे कि यह दिल्ली एडिशन है, पहली बात ये है, और 24 पेज है, और यहाँ पे आज डेट आप देख लो 12 अगस्त और दिन है आज सैटरडे। गाइज, आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सारे इन्फॉर्मेशन को एक एक करके हम बातचीत करेंगे, डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। बट वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जो भी बंदे इस वीडियो को देखते हैं उनसे मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाइज इसे शेयर कीजिए, और अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि उससे अपने आप को ना, मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। डेट्स वाई आई एम टेलिंग यू। ओके गाइज, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, आज के करेंट अफेयर के सेशन को, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो भी लर्नर्स होते हैं उनके माइंड में एक बात होता है कि भैया द हिंदू न्यूज़पेपर को कैसे कंज्यूम करूँ, कैसे उसका नोट्स बनाऊँ। तो ये फुल्ली हिंदी में एनालिसिस होगा गाइस, और आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। सेंटर ने ओवरऑल ब्रिटिश जो एरा था, उसका जो ब्रिटिश एरा में जो भी लॉ बनाए गए थे उसके ऊपर इन्होंने अमेंडमेंट करने की बात करी है, और बहुत सारे बिल को पार्लियामेंट में लाए हैं। मैं गाइस बता दूँ कि इंडियन पेनल कोड 1860 में लाया गया था, और इसको रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता से। तो गाइज इसे याद रखना कि इंडियन पेनल कोड जो 1860 में आया था उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा भारतीय न्याय संहिता से। इसके ऊपर भी बहुत सारे डिस्कशन है, जैसे कि यहाँ पे तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन दिया है कि भैया आप हिंदी नेम क्यों कर रहे हो बिल का जो ऑलरेडी इंग्लिश में है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट अभी का हम देखते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जे वहीं पे आप क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 को देखो तो उसे रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता से, इसको BNS भारतीय न्याय संहिता से, इंडियन पेनल कोड को और इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से इसे रिप्लेस किया जा रहा है। और उसके बाद है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसको भी रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय साक्ष्य से। देखो भारतीय साक्ष्य, इसका सिर्फ हिंदी वर्जन ही कर दिया गया है, इंडिया को एविडेंस को साक्ष्य कर दिया गया, तो भारतीय साक्ष्य से इसको रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है ना। और साथ ही यहाँ पे अगर बातचीत करें तो सेडिशन के लॉ में भी बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, और इस पूरे आर्टिकल के ऊपर जो हमारा डिस्कशन है वो हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, हेडलाइन देखो तो कहा जा रहा है कि IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट किया जा रहा है, और भी बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग होता है, डेथ फॉर मॉब लिंचिंग, ठीक है ना। किसी ने कमिटमेंट किया किसी वुमेन से कि हाँ मैं आपसे शादी करूंगा, और शादी नहीं करते हैं, और फॉल्स से नैरेटिव क्रिएट करते हैं, उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है ना। तो उनको 10 साल का जो जेल था फॉर मैरिज, इसमें भी बहुत सारी बदलाव किए जा रहे हैं, और रिपील ऑफ द सेडिशन में भी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब एक एक करके आप लोगों से बातचीत करूँ तो देखो, जो हमारे देश के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मिस्टर अमित शाह जी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में एक बिल को, एक बिल नहीं बहुत सारे बिलों को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें है ब्रिटिश एरा का इंडियन पेनल कोड, ठीक है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है ना। तो इसे इन सारे बिल को इन्होंने लोकसभा में रखा है, और इसका नाम दिया है भारतीय न्याय संहिता 2023। यहाँ पे देखो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो रिप्लेस करेगा IPC को। उसके बाद है पनिशमेंट फॉर मैक्सिमम सेंटेंस फॉर मॉब लिंचिंग एंड सजेस्टेड ऑफ 10 ईयर इम्प्रिजमेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वुमेन ऑन द फॉल्स प्रोमिस ऑफ मैरिज, ठीक है। उसके बाद है द बिल, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स बाई द
मैन विद द ऑन वाइफ, ठीक है ना, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कोई व्यक्ति अपने वाइफ के साथ ही, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि हाँ अगर 18 वर्ष से कम उम्र रहा है, नॉट अंडर द 18 ईयर, अगर वो 18 वर्ष से मतलब कि ऊपर है, ठीक है ना, तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। और वो अगर अपनी वाइफ के साथ मतलब कि सेक्सुअल जो वर्क होता है वो इंटरकोर्स करते हैं तो उसको कहा जा रहा है नॉट विंग अंडर द 18 ईयर्स, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, नॉट रेप माना नहीं माना जाएगा, तो ये बात कही जा रही है। उसके बाद सेडिशन बिल में पहली बार डिफाइन किया गया है टेररिज्म शब्द को, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेडिशन को रिप्लेस किया गया है और बिल फॉर द फर्स्ट टाइम डिफाइंड द टेररिज्म एंड ऑफेंस सच एज द सेपरेटिज्म आर्म्स रिवेलियम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अगर इस तरीके का कोई भी काम होता है या हमारे देश के कंट्री के सोवरेनिटी के खिलाफ कोई भी जाता है तो उसको टेररिज्म माना जाएगा, ठीक है ना। और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें अमेंड की गई है, ठीक है। साथ ही 313 बिल जो है लाए गए हैं और जिसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे और ये एक रिवोल्यूशन की तरह इसको चेंज देखा जाएगा कि हाँ भैया हमने रिवोल्यूशन लाया है। और इससे क्या होगा कि जस्टिस में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है या जो जस्टिस सिस्टम है हमारे देश में वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ऐसा कहना है। साथ ही इस बिल में कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 भारतीय नागरिक संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय सुरक्षा बिल 2023, तो ये सब कुछ रिप्लेस करेगा जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ओवरऑल अगर इसके बारे में बातचीत किया जाए तो जो भी ब्रिटिश एरा में जो भी लॉज बनाए गए थे उन तमाम लॉज में अभी बदलाव किए जा रहे हैं और ये बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस किए जा रहे हैं उसमें, जो कि अच्छी बात भी है, ठीक है ना। कभी भी कोई भी एक्ट में टेररिज्म शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन भारत ने पहली बार टेररिज्म शब्द को डिफाइन करा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जितने भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रोज एंड कॉन्स देखने को तो मिलता ही है। इसके ऊपर और बहुत सारी बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ठीक है। ये पॉलिटिकल डिबेट वाली यहाँ पे न्यूज़ है तो इसके ऊपर कोई बातचीत हम नहीं करेंगे। एक बात यहाँ पे आप देख लो कि नूह में जो एक एविडेंस कमेटी थी उनके टेलीविज़न जो एडिटर थे उनको पोस्ट पे फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है, जो कि उनको हटा दिया गया था। यहाँ पे एक चीज़ देखो तो देखो गाइज, आपको लग सकता है कि हाँ ये पॉलिटिकल न्यूज़ है बट ये बहुत बड़ा न्यूज़ है कि मिड डे मील के खाना खाने की वजह से 28 स्टूडेंट जो है वो बीमार पड़ गए, जो कि अच्छी बात नहीं है। मिड डे मील को जो भी बच्चे जाते हैं स्कूल में तो उन्हें एक बात तो मतलब कि वो कंफर्म होते हैं कि हाँ ये खाना इतना ज़्यादा हाइजीन है कि इसको खाने से हमारा सेहत ख़राब नहीं होगा, लेकिन मिड डे मील के फूड को खाने से अगर बच्चों का सेहत ख़राब होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छी बात तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो मिड डे मील का फूड कोई खाना पसंद भी नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, और कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को खाने के लिए रिकमेंड भी नहीं करेगा। तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और वो भी चाहे देश के वो किसी भी कोने में हो रहा हो, दिल्ली में हो रहा हो या कहीं भी हो रहा हो, इस तरीके की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। और यहाँ पे देखो क्या मतलब कि यहाँ पे कहा गया कि भैया गैस लीक हो गया, चाहे जो भी रीज़न हो, जब आपको पता है कि इस फूड मतलब कि ये फूड पॉइजनिंग हो चुका है और ये खाने से बच्चों का हेल्थ ख़राब हो सकता है, तो ऐसे फूड को आपको कहीं ना कहीं आपको ले जा करके उसको मतलब कि जहाँ भी हो सके डिकम्पोज वगैरह आप कर दो ताकि सही रहे, ना कि वो बच्चे खाएं और बीमार पड़ जाए। तो ये इसके ऊपर एक्शन गवर्नमेंट को लेनी चाहिए और बहुत ही हार्ड एक्शन लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देश के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो ना, चाहे वो कैसे भी हो रहा हो और किसी भी तरीके से हो रहा हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो पेरेंट ने ब्लेम किया है मिड डे मील अनसैनिटरी कंडीशन, ये तो कहेंगे ही बिकॉज बच्चे बीमार पड़े हैं, और जो कि सही बात नहीं है, हाइजीन रहता तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं घटती। उसके बाद ये एक न्यूज़ है जो आप देखे होंगे पिछले साल से ही चलता आ रहा है, बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट केस में एक है ब्रिजभूषण सिंह जी, और ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आपके ब्रिजभूषण सिंह को ये इनके बारे में जो कहा जा रहा है कि भैया इनके खिलाफ दिल्ली पुलिस बोलती है कि एविडेंस है, इनफ एविडेंस है कि इनको जेल में डाला जा सकता है, ठीक है ना। क्यों आप इनफ एविडेंस है इसका कहने मतलब कि मतलब तो सबसे बड़ी बात ये हो गया
कि इन्होंने ऐसा काम करा है, तभी तो कहा जा रहा है कि हाँ इनके खिलाफ एविडेंस है। और यहाँ पे देखो तो ये आपका इंडिया चीफ एंड बीजेपी एमपी है ब्रिजभूषण सिंह, और यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट फाइल किया गया था दो रेसलर्स के द्वारा, ठीक है ना। और इस चीज मतलब कि एविडेंस भी आ चुका है। यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको देखना चाहिए, 354A सेक्सुअल हरासमेंट और 354D स्टॉकिंग। तो ये सेक्शन थोड़े से आप माइंड में रखना, ताकि आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझने को मिल सकता है। जैसे कि 354 है assaulting और क्रिमिनल फोर्स ऑफ द वुमेन विद इंटर टू द आउटरेज हॉर्मोस्टी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको एक बार माइंड में रखनी चाहिए। देखो गाइस, डिमोलिशंस ड्राइव इन न्यू हरियाणा गवर्नमेंट डिसमिस द एथनिक क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है। तो ये भी एक है, तो इसको देख लेना, इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातचीत किए हुए थे। देखो गाइस, इस पूरे अगर हम इंटायर इस न्यूज को देखें, तो इसमें एक ही शब्द है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है बीप। बीप क्या होता है कि प्रत्येक पार्टी के अंदर बीप होता है, और बीप का काम होता है कि वो अपने पार्टी से रिलेटेड कोई भी चीजें रिलीज कर सकता है, कोई भी बात को, कोई भी प्रोविजन को वो रिलीज कर सकता है। और उस पार्टी में जितने भी लोग होते हैं, तो बीप ने जो भी बातें कही है वो मानना मैंडेटरी है। अगर आप बीप की बात को नहीं मान रहे हैं, तो मतलब आप उस पार्टी के खिलाफ है, ठीक है। तो इसी में ये कहा गया है कि जो शिंदे सेना है, उन्होंने एक्शन लिया है 5 MP के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बीप के बात को नहीं माना है। तो बीप के बात को मानना मैंडेटरी होता है गाइस, और इसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे पॉलिटी वाले वीडियोस में, ठीक है ना। यहाँ पे और देखते हैं और क्या है न्यूज। तो देखो गाइज, ये वाला न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा, वैसे ही लूना 25 जो है इसको लॉन्च किया गया है आपको रसिया के जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना, उनके द्वारा। रोसकॉस्मोस है, रोसकॉस्मोस है रसिया का स्पेस एजेंसी, और इनके द्वारा लॉन्च किया गया है लूना 25 को। और ये दोनों जो मिशन है, चंद्रयान 3 और लूना जो मिशन है, ये दोनों मिशन आपका जो है ना, ये आपका मिशन जो ये अर्थ मतलब कि ये दोनों चंद्रमा वाले पार्ट पे जाने वाला है, यानी कि जो साउथ पार्ट है चंद्रमा का, वहां पे इस मिशन को भेजा गया है। जैसे कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउदर्न पोल में भेजा गया है, वैसे ही लूना को भी वहीं पे भेजा गया है। अब बात यहाँ ये है कि ये कहा जा रहा है कि जो रशियन स्पेस एजेंसी है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि लूना 25 जो है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला गया, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा चंद्रयान 3 पे, उसके लैंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, और ना ही चंद्रयान 3 किसी तरीके का कोई भी इफेक्ट लूना 25 पे डालने वाला है। क्योंकि दोनों स्पेस एजेंसी का मानना है कि जो ये आपका ये जो लूनर है, यानी कि जो मून है, उसके ऊपर बहुत सारे मतलब कि एनफ स्पेस है कि वो दोनों वहाँ पे लैंड कर सके। और ऑलरेडी इन्होंने फाइंड आउट किए हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एक्टिव जोन है, और इसमें चाइना का भी चल रहा है। तो चाइना वाला देख लो, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, तो यहाँ पे देखो जून 2023 में करंटली ओनली ऑपरेशन चाइना का एक ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है ना। और ये ऑपरेशन U-2 है, ठीक है ना, U-2 है, और जो चांगिस 4 के माध्यम से इसको रिलीज किया गया है चंद्रमा पे, ठीक है ना। तो ये भी आप देख सकते हो। और इंडिया ने मतलब कि 6 ऐसे एक्टिव लूनर ऑर्बिट मतलब कि एक्टिव है, 6 ऐसे है जो एक्टिव है, और वहीं पे अब भारत का चंद्रयान 3 भी जाएगा और लूना 25 भी जाएगा, जो चंद्रमा पे बहुत सारे स्पेस है, और ये दोनों एक दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाले हैं। तो यही बात याद रखना कि हाँ, पहली बात ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद रखना है। तो याद रखना कि जो रशिया का स्पेस एजेंसी है, उसको हम रोसकॉस्मोस कहते हैं, और रोसकॉस्मोस ने अभी चंद्रमा का जो यात्रा है उसके लिए उन्होंने लूना 25 को भेजा है, यानी कि चंद्रमा जो मिशन है, चंद्रमा के मिशन के लिए लूना 25 रसिया ने भेजा है, और चंद्रयान 3 अभी भारत ने भेजा है, जो कि आप जानते हैं। और चाइना का वहां पे चल रहा है आपका चांगी U-2 रोवर, ठीक है ना, जो चांगी 4 के माध्यम ऑपरेशन के माध्यम से वो वहां पे चल रहा है, तो ये भी चंद्रयान मिशन ही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है अपडेट। गाइज, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो गाइज।
देखो गाइज यहाँ पे डिमोलिएशंस राज राज द हाई कोर्ट एज अ विकॉन्स, ठीक है। तो ये वाला आप देखना, हाई मद्रास हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंडिया नीड टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं और उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसे भी एक बार पढ़ लेना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे क्या है न्यूज़। तो मानसून सेशन एंड होने वाला है, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो गाइस कोलेजियम फार्म ट्रांसफर, देखो कोलेजियम ने एक डिसीजन लिया और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम सिस्टम है उन्होंने एक डिसीजन लिया और 24th जो हाई कोर्ट के जज है उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो वही कहा जा रहा है कि हाँ इसको एक बार रिकंसिडर करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इससे ये जो रिकमेंड किया गया है जो जज को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इसके ऊपर एक बार बातचीत होनी चाहिए और देखना भी चाहिए, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि GST ऑनलाइन गेमिंग पे बढ़ा दिया गया है, तो ये 28% क्यों है, ये 50% क्यों नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के यूथ को बर्बाद कर रहा है। ये 50% भी क्यों, 98% कर देना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। डीलिमिटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो गाइस कोई भी पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे बातचीत नहीं करने वाले हैं, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो डीलिमिटेशन और डीलिमिटेशन कमीशंस क्या होते हैं वो मैं बात करता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे डीलिमिटेशंस इलेक्शन कमीशन रीनेम्स सम सीट्स इन फाइनल रिपोर्ट। देखो गाइस डीलिमिटेशन कमीशन का काम होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबलीज होती है, ठीक है ना, उसका निर्धारण करना, उसके सीमा का निर्धारण करना। जैसे कि आप जहाँ पे वोट डालने जाते हो तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, आपके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, 3-4-5 तो होगा ही होगा, तो उसी तरीके से सीमा का निर्धारण करता है डिलिमिटेशन कमीशन। और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को तोड़ सकता है, उसके नाम को बदल सकता है, एक को दो कर सकता है, दो को एक कर सकता है, तो ये सारा अधिकार मिला है डिलिमिटेशन कमीशन का, तो ये बात याद रखना, ठीक है ना। वसुधैव कुटुंबकम का जो लोगो है वो लगाया गया है G20 के लिए, वसुधैव कुटुंबकम, और इसमें ये बात कहा गया है, इसका एक वर्जन इंग्लिश वर्जन जो है फ्रेज जो है ये याद रखना, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ये वाला याद रखना, वसुधैव कुटुंबकम लोगो है G20 का, और यहाँ पे इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो है वन फैमिली वन फ्यूचर, और यहाँ पे है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये चाइना का एक मिलिट्री शिपयार्ड है जो कोलंबो के पोर्ट पे आया है, और ये फॉर्मल इसका विजिट ऐसा माना जा रहा है, जो कि इंडिया भी इस पे अपना पूरा नज़र रखे हुए है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, बट फिर भी हम लोग इसके ऊपर अपना ध्यान जमाए हुए हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बस आई होप कि आज की वीडियो में बस इतना ही करेंट अफेयर है, और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।